अनंत के मैं उठाए चलाए ना खिसा। अब देखो भैया, मेघनाथ के समान कोटि सत अनेक योद्धा उठा रहे, परंतु भैया वे जगत के आधार अर्थात जगत उनके आधार से स्थित है, कैसे उठे? कोटि सत शब्द भैया यह बहुवाची है और संख्यावाची नहीं। जब लक्ष्मण जी भैया नहीं उठे तब वह खिसिया करके चले गए। सुनो गिरजा क्रोधान ले जा, कहने लगे हे देवी पार्वती सुनो, जिनकी क्रोध अग्नि 14 भुवनों को शीघ्र जला देती है उससे संग्राम कौन जीत सकता? सके संग्राम जीत को ताई सेवाए सोरे नारे आग जग जाए। अब देखो भैया इधर कथा में भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे देवी पार्वती, कहने लगे सुनो, जिनकी क्रोध अग्नि 14 भुवनों को शीघ्र जला देती है उसे संग्राम में बोले कौन जीत सकता है, जिसकी देवता मनुष्य सब संसार सारा जगत सेवा करते हैं। यह कौतूहल जाने सोई जा पर कृपा राम की हो। और भैया कहने लगे कि हे देवी पार्वती, और जो यह लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है यह संग्राम की शोभा है, क्यों कि भगवान श्री राम जी के कौतूहल को, भगवान श्री राम जी के चरित्र को बोले देवी कौन जान सकता है? संध्या भाई फिरी दो यानी लगे सभारन निज निज सैनी। राम जी के चरित्र को कोई नहीं जान सकता, परंतु इस चरित्र को वही जानेगा जिस पर भगवान श्री राम जी की कृपा हुए। संध्या हो जाने पर अपनी अपनी सब सेनाएं संभाल कर अपने अपने स्थानों पे चले। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहां बूझे करुणा। अब देखो भैया जब संध्या हो गई अपनी अपनी सब सेनाएं संभाल कर अपने अपने स्थानों पर पहुंचे तो बाबा तुलसी कितनी उम्दा बात लिखे कि व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर। तब सर्व व्यापक ब्रह्म अजित और संसार के ईश्वर करुणा के सागर भगवान श्री राम जी कहने लगे कि सब तो आ गए परंतु लक्ष्मण कहाँ है? तावे लगे ले आया हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। सर्व व्यापक ब्रह्म अजित और संसार के ईश्वर करुणा के सागर भगवान श्री राम जी कहने लगे कि सब तो आ गए लेकिन लक्ष्मण कहां है? जैसे ही भगवान श्री राम जी ने कहा कि सब तो आ गए परंतु लक्ष्मण कहां है, वह कहते ही थे कि लक्ष्मण कहां है, तब तक भैया महावीर जी गोदी में लिए हुए लक्ष्मण को ले आए। यह दशा देखकर भैया बाबा तुलसी लिखे कि राम जी ने बड़ा दुख माना। जा में बनते कहे वैद्य सुसेना लंका रहे पठिए को लेना। अब देखो भैया जैसे ही लक्ष्मण जी को महावीर जी लाए उनकी दशा देखकर भैया रघुनाथ जी को बड़ा दुख हुआ, तब जामवंत बोले कि सुसेन नामक वैद्य लंका में रहता है, उसे किसी से भैया बुलवाओ। सुनते ही भैया महावीर जी छोटा रूप धरकर लंका में गए। धारे लघु रूप गया हनुमंता आनो भवन समेत तुरंत। अब जैसे ही भैया जामवंत जी बोले कि सुसेन नाम का वैद्य लंका में रहता है उसे किसी से बुलवाओ, तो सुनते ही साथ भैया महावीर जी छोटा रूप धरकर के लंका में गए और जाकर के विचार किया कि जो इसे जगाऊं तो कदाचित शायद यह ना जाए। इस कारण भैया उसको घर के सहित महावीर जी उठा करके ले आए, अथवा वहां पहुंचकर कहने लगे कि औषधि तो घर पर ही रही, ऐसा कहकर भैया फिर यहां चले आवे
और न जाए, शोरगुल न मचा दे। इस कारण से भैया हनुमान जी घर के सहित उठा करके ले आए और छोटा रूप भैया इस कारण धरा कि बड़े रूप में लंका में प्रवेश करना कठिन था, अथवा यह समझा कि लाना भी एक पुरुष को है, बड़ा रूप धरकर क्या करना है। रघुपति चरण सरोज सिर नाया हुआ सुसैन, कहा नाम गिरे औषधि जाओ पवन सुतले। अब देखो भैया सुसैन ने आकर भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में अपना सिर नवाया और पर्वत का नाम तथा औषधि बदला कर कहा कि महावीर जी तुम ही औषधि लेने के लिए जाओ। राम चरण